हेलो फ्रेंड्स, कल एक अपडेट आया है अनलॉक टूल के अंदर, जो के आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फोन जो वीवो के फोन्स थे क्वालकॉम वाले सीपीयू के, जिसको हम अगर फ्लैशिंग अगर करना है या अनलॉकिंग करना है तो उसके लिए हमें फोन को ओपन करना पड़ता था, बैक पैनल ओपन करके, क्योंकि उसमें ईडीएल टेस्ट पॉइंट होता था। ठीक है, तो क्या होता है इस कंडीशन में, कोई कस्टमर फोन अगर खोलने के लिए अगर बोले तो वो फोन खोलने नहीं देता है। तो क्या होता है, उसका वारंटी, अगर वारंटी में भी अगर होगा फोन तो उसका वारंटी भी चला जाता है। तो आज के एक अपडेट दिया है, एक अनलॉक टूल के अंदर बड़ा सा एक अपडेट आया है कि आप बिना खोले फोन को ईडीएल मोड में डाल सकते हैं, फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करके। तो ये एक अपडेट आया है, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे फोन को हमें कनेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक फोन है वीवो का, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कवर रिमूव करके बताता हूँ, जो कि एक हमारा एक लेटेस्ट फोन है वीवो V15 प्रो, क्वालकॉम सीपीयू वाला है। तो आपको पता होगा ये अनलॉकिंग करने के लिए आपको फोन को पैनल को ओपन करके इसके अंदर जो एक टेस्ट पॉइंट बोल के आता है ईडीएल टेस्ट पॉइंट, हमें उसे शॉर्ट करके यहाँ पे फोन को कनेक्ट करना रहता है। तो इसमें क्या होता है, आपका मेहनत, एक तो ये पीछे का बैक पैनल को रिमूव करना होता है जो कि पेस्टेड होता है। ठीक है, पेस्टेड यहाँ निकाल के हीट करके इसको निकालना होता है, जब जाके ये पैनल ओपन होता है, फिर स्क्रू निकालो, फिर उसका मिडल निकाल के फिर आपको एक टेस्ट पॉइंट को टेस्ट कनेक्ट करके शॉर्ट करके आपको कनेक्ट करना है। इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद फिर आपको ये अनलॉक हो जाता है, फिर वापस से पेस्टिंग करना होता है। इतना टाइम हमारा अभी ये नहीं होगा, क्योंकि अनलॉक टूल के अंदर एक अपडेट आया है जो कि हमें फोन को ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें फास्ट बूट मोड में फोन को कनेक्ट करेंगे। और इसको कनेक्ट करने के बाद वन क्लिक में आपको एक वन ऑप्शन दिया हुआ है वीवो के टैब में, सिर्फ आपको जाके वहां पे फोन को कनेक्ट करना है। और वहां पे एडीबी में, जैसे हम यहाँ पे फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करते हैं, आपका फास्ट बूट मोड का एडीबी डिवाइस कनेक्ट हो जाता है ड्राइवर में, आपको वन क्लिक वहां पे जो हमें ऑप्शंस आया है बस उसको क्लिक करके हमें बस वेट करना है। मिनिमम आपको 5 to 10 seconds वेट करना है, जिसके बाद आपका क्वालकॉम का पोर्ट बनाएगा, आप उसको अनलॉकिंग कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, जो वो चाहे आप उसको कर सकते हैं, जैसे कि FRP रिमूव करना। तो ये सारा चीजें आप बिना मोबाइल खोले, ये अपडेट आया है। तो ये अपडेट हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट या हमारे पास के जो यूजर्स थे, सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे, सर हमारा ये वीवो का फोन है, एमआई का फोन है, बिना खोले ईडीएल मोड में कैसे डालना है। तो जैसे कि मार्केट में जो ऑनलाइन वाले जो करते थे फ्लैशिंग वगैरह बिना खोले, वो बिना खोले ही हमें ईडीएल मोड में डाल के, कोई उनके पास कोई सॉफ्टवेयर होता था जो कि पेड वाला होता था। तो ये सारा पेड वाला चीज हमें करने की जरूरत नहीं है, अभी ये सारा चीज अनलॉक टूल के अंदर अवेलेबल है। तो ये सारा चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और अभी तो फिलहाल वीवो के लिए ही आया है। ठीक है, और इन फ्यूचर देखो अनलॉक टूल के अंदर बहुत कुछ अपडेट है, हर दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता या 2 दिन के अंदर भी अपडेट दे देता है। अनलॉक टूल की खासियत ये है कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं वीडियो हमारे चैनल पे जाके, फोन फिक्स HYD का चैनल हमारा जो है, उसमें आप देख सकते हैं अनलॉक टूल के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। तो ये लेना क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमेशा आपको अप टू डेट करने वाला काम करता है ये। मार्केट में सबसे पहले अपडेट यही देता है, बाद में ये अपडेट कई और टूल में जाता है, योमटी में जाता है, मिरेकल में जाता है, या फिर कोई और टूल में चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टूल के अंदर अपडेट आता है। तो हमें यहाँ पे अभी वीवो के लिए आया है, कल को हो सकता है कि ये शाओमी के लिए भी देंगे। ठीक है, तो हमें वेट करना है, क्योंकि ये एक ना एक कोई ना कोई चीज नया लेके आ रहा है, जैसे कि सैमसंग का भी FRP इसी ने लेके आया था फर्स्ट टाइम, फिर सारे टूल में आया, तो वैसा ये डेमो रिमूव, वीवो डेमो रिमूव करने का भी ऑप्शन इसी में है, हमारे UMT के अंदर नहीं है। तो अब यहाँ पे ये फास्ट बूट टू ईडीएल को कनेक्ट करने के लिए भी अपडेट इसने अभी दिया हुआ है। तो ऐसे हमारे लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं अनलॉक टूल के अंदर, तो आप हमारे साथ जुड़े रहना, हमेशा आपको अप टू डेट में हम वीडियो बना के आपको दिया करेंगे। और यहाँ पे वेट हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फोन को फास्ट बूट मोड में डालेंगे। जैसे कि फास्ट बूट मोड में डालने के लिए वीवो को वॉल्यूम अप एंड पावर की दबा के होल्ड करेंगे, सबसे पहले आपके सामने लाइव यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो जैसे कि ये मेरा वीवो V15 प्रो आप देख सकते हैं, जो कि मेरा ये फिंगरप्रिंट नहीं है, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट होता है यहाँ पे मीडियाटेक का होता है, और यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं ये मेरा वीवो 15 प्रो जो कि क्वालकॉम है। तो ये क्वालकॉम में ही हमें ईडीएल टेस्ट पॉइंट का इशू आता है, बाकी तो कोई फोन मीडियाटेक में तो होता ही नहीं है।
तो यहाँ पे हमें इस मोड में कनेक्ट करना है और आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको गूगल पे एक बार सबसे पहले उसका अनलॉक टूल के वेबसाइट पे बताऊंगा कि क्या आपको यहाँ पे इसने अपडेट में बताया है। तो साथ ही साथ ये डेट और टाइम के हिसाब से बताएगा आपको कि ये कब आया है अपडेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे उसके एक वेबसाइट खोल लिया, तो आप यहाँ के देख सकते हैं जो कि 2022 और ये 25 तारीख यहाँ पे जो है 25 डेट है, जो कि आज 26 है, ये कल का ही अपडेट आया हुआ है। तो इसमें आपको नीचे देख सकते हैं, हम यहाँ पे वीवो, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो कॉलकम न्यू एड फास्टबूट रिबूट टू EDL टेस्टेड Y51 पे इन लोगों ने किया हुआ है, बता रहे हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने ये मॉडल पे किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ये V15 Pro पे हम ट्राई करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि ये EDL विदाउट EDL की हमारा फोन कनेक्ट ही नहीं होता है। तो हम यहाँ पे आपको लाइव बताएंगे ये कॉलकम का पोर्ट कैसे बनाएगा, तो हम भी यहाँ चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये टूल को ओपन करेंगे लॉगिन करके और आपको वो ऑप्शन बताएंगे कि कहाँ है। तो सबसे पहले हम आते हैं टूल पे डाउनलोड, जो हमने डाउनलोड किया है, तो सबसे पहले हम टूल को ओपन कर लेंगे। तो प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे टूल डाउनलोड है, जो कि आप देख सकते हैं अनलॉक टूल 25 तारीख का जो अपडेट है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे सबसे पहले, और साथ ही साथ यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी आपको ओपन करके दिखाएंगे कि यहाँ पे देखो कोई भी कॉलकम का फोन मेरे पास कनेक्ट नहीं है अभी फिलहाल, और ना कि यहाँ ADB का ड्राइवर जो ऊपर देख सकते हैं आप, कि ना कोई अभी फोन कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी आपको लाइव बताऊंगा कि फोन कैसे कनेक्ट करके करना है। पहले हमारा यहाँ पे टूल ओपन हो गया है, तो यहाँ पे हम ID और पासवर्ड लॉगिन करके हम इसको ओपन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये ऑनलाइन वाला होता है ना, इसको डोंगल होता है ना कुछ होता है, यह हमारा सिर्फ ID पासवर्ड, जैसे हम बॉर्नियो चलाते हैं उस तरह से ये काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ID और पासवर्ड लॉगिन करके आपको ये सिर्फ टूल को ओपन करना रहता है। ये 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर के लिए भी आपको यहाँ पे मिलेगा, लेने अगर लेना है आपको ये टूल तो मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फोन को कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फोन को कनेक्ट कर लिया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर में मेरे पास फोन कनेक्ट हुआ है ADB, जो कि एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस का जो कि पोर्ट बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखना कोई कॉलकम का पोर्ट नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पे हमने जैसे कि टूल ओपन कर लिया ओपन, और यहाँ आने के बाद हम आएंगे वीवो में, जो हमारा वीवो का टैब है, हम ये वीवो को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको नहीं भी करें तो कोई इश्यू नहीं है। हमें आना है यहाँ पे सेकेंड वाले फंक्शन में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन बोल के है, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं FBQCOM Forced ADL, मतलब ये वाला जो है FB मतलब फास्टबूट मोड के लिए, कॉलकम के लिए काम करने वाला है, फोर्स्ड से EDL में डालने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं USB में एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस आ गया है, जो कि हमारा ADB वाला फास्टबूट मोड में कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ये फोन मेरा अब फास्टबूट मोड में है, और मैं यहाँ पे 1 क्लिक करने वाला हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 क्लिक कर लिया। यहाँ पे अभी इंटरिंग EDL मोड में बता रहा है कि अभी ये डाल रहा है, और नीचे सेकंड्स कुछ आ रहे हैं, तो हमें वेट करना है जब तक वो 100% नहीं होता। उसके बाद जैसे वो 100% हो जाएगा, हमारा फोन का स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि वो 100% पे आ जाएगा और हमारा फोन EDL मोड में चला जाएगा। तो वेट करेंगे उसको, मिनिमम 10 सेकेंड भी लग सकते हैं, थोड़ा 15 सेकेंड भी लग सकते हैं। तो ये आपके सर्वर की स्पीड के ऊपर भी होता है, नेट अगर कनेक्ट ठीक से नहीं है या आपका नेट स्लो है, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन तो है ही नहीं, ना इसका कोई डोंगल है। हमें इसके लिए वेट करेंगे थोड़ा सा, अगर ये कभी वन टाइम में अगर कभी इशू आ गया कि ये फेल्ड हो गया कनेक्ट करने में, तो आप ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है, आप उसको री एंटर करके वापस से आप उसको यही प्रोसेस सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हुआ है, 10% पे अभी रुका हुआ है, अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी ये लेट भी होगा और कभी कभी थोड़ा फास्ट भी होगा, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है इसके लिए। नहीं हुआ तो हम फिर से स्टॉप करके फिर से इसको इंटर में करेंगे, वापस ट्राई करेंगे।
ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, फोन को यहाँ से डिसकनेक्ट करेंगे, एक बार वहां पे वो इश्यू आ रहा है, एक बार हम वापस से इसको रिबूट करके फिर से हम कनेक्ट करेंगे, एक बार कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको फास्टबूट मोड में डाल देता हूँ और फिर यहाँ पे एक बार फोन को फिर से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे ADB का ड्राइवर बना लिया और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे वन क्लिक कर लेता हूँ। चलो अब देखेंगे यहाँ पे हमारा ये फोन EDL मोड में जाएगा या नहीं जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड टाइम हमने फोन को रिबूट किया, रिबूट करने के बाद यहां पे फोन EDL मोड में ओके हो गया। अब यहां पे देख सकते हैं जैसे कि मेरा फोन ओके लिख के आ गया EDL मोड और यहां पे मेरा फोन जो कि ऑफ हो गया। अब मैं यहां पे आपको डिवाइस मैनेजर में बताऊंगा सबसे पहले लेके जाके यहां पे मेरा पोर्ट आया कि नहीं। तो जैसे कि यहां पे डिवाइस मैनेजर में आप देख सकते हैं मेरा यहां पे फोन पोर्ट में देख सकते हैं कॉलकॉम HS USB QD लोडर 9008। तो यहां पे ये मेरा पोर्ट कंप्लीटली कनेक्ट हो गया है विदाउट ओपन। और जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे इसके लिए टेस्ट पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी, ना मुझे इसका पैनल खोलना पड़ा, ना कुछ इसको खोल के स्क्रू वगैरह खोल के मुझे ये सारा कुछ काम करना पड़ा। तो आप ये सारे चीजें भी कर सकते हैं अनलॉक टूल लेने के बाद। अब यहाँ पे इसको मैं अनलॉक कर सकता हूँ, ना मैं इसको यहां से फ्लैशिंग भी कर सकता हूँ, चाहो FRP भी अगर लॉक है तो मैं यहाँ पे FRP भी रिमूव कर सकता हूँ। आप जो चाहे यहां से कर सकते हैं जो कि हमारा EDL मोड में कनेक्ट करता है। तो ये सारा जो ट्रिक है आप इजीली कर सकते हैं और ये सारे अपडेट हमेशा आएंगे अनलॉक टूल के अंदर, कुछ ना कुछ आपको नया देखने मिलेगा और हमारे चैनल पे भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने भी मिलेगा। मैं हमेशा आपको अप टू डेट में वीडियोस देते रहता हूँ, हमेशा अपलोड करते रहता हूँ, कुछ नया अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको ये अब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन भाइयों तक जो लोग मार्केट में करने के लिए डरते हैं, उन्हें अगर नॉलेज की कमी है या हमारे पास आना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं हमसे, हमारे वीडियो से, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। मैं पहले से बताता हूं हमेशा इस वीडियो में, जो भी वीडियो मैं बनाता हूं ये उन लोगों के लिए वीडियो होता है जो ऑलरेडी काम नहीं जो कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो ऑलरेडी टेक्नीशियन है प्लीज ये वीडियो उनके लिए स्किप करना है, अगर उनको पता है ये प्रोसेस तो प्लीज ये वीडियो को उनके लिए स्किप करना जरूरी है। और जो बंदा हमारे पास समझो सीखना चाह रहा है या हमारा स्टूडेंट है या हमारे वीडियो से कुछ सीखना चाह रहा है तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है, मैं ऑलरेडी पहले बता रहा हूं हमारे वीडियो से कुछ अगर आपको सीखने मिल रहा है तो आप बस वही वीडियो देखना, अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो प्लीज ये वीडियो को स्किप कर देना। तो हमारे स्क्रीन नंबर पे आप देख सकते हैं, अगर आप हमसे कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, NIMSI का क्लास, UFS का क्लास और जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे पास बेसिक टू एडवांस का क्लास रहता है 20 डेज का, तो हमारे पास जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है आप वहां पे बुकिंग कर सकते हैं, हमारे वहां पे नंबर दिया हुआ है। और डिटेल्स लेना है तो आप उस पर कॉल करके डिटेल्स भी ले सकते हैं, जो भी हम आपको डिटेल्स चाहिए तो आप उस पर स्क्रीन पे कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं सर, पूरा एक टीम होना चाहिए, टीम रहेगा तो आपको अच्छे से सर्विस मिल सकती है, है ना। एक बार इनके लिए जोरदार क्लास, थैंक यू वेरी मच अनिल, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। अमित कुमार गौतम के लिए जोरदार क्लास, वाह बड़े भाई, अमित दो अल्फाज बताइए क्या कहना चाहेंगे, कोई आके यहाँ सीखना चाह रहे हैं आपका, पहले आने से पहले क्या थे, अब क्या बन के जा रहे हैं यहाँ से। पहले IC का काम कभी नहीं किया, यहाँ पे आने के बाद तो पूरा अच्छे से समझ में आती है चीज़ें कि कौन से लाइन को क्या कहते हैं और कोई भी लाइन का पूरा लॉन्ग फॉर्म ये पता है, मतलब डीपली नॉलेज जो है यहाँ पे मिल रहा है, ऐसा नॉलेज नहीं मिला है कभी। आप जब आए थे तो हम पहले आपको माइक्रोस्कोप भी देखने बहुत सारे बच्चों को नहीं आपको रिवॉल्विंग सिखाए, माइक्रोस्कोप सिखाए, इसके बाद में IC लगाना सिखाए, व्हाइट पेस्टेड लगा के ऑन कराए आपसे सेट, करे के नहीं करे, करे ब्लैक पेस्टेड कराए, ब्लैक पेस्टेड डबल डेकर कराए, लाइव वीडियो समीर जी के सामने बिठा के इनसे कराए। रात में कितने बज गए थे आपको? लगभग 12-1 बजा था। 12 बज गए थे तो बोर नहीं लगा आपको? सुबह से आके थे 10 बजे से? नहीं। यहाँ पे किसी को बोर लगाएगा 20 दिन में? और काम करने का दिल चाह रहा था? अच्छा ऐसा तो नहीं है यहाँ पे 8 बज रहे चलो भागो भागो बंद करो बंद करो? नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं दे रहे, PPD नहीं दे रहे, पेस्ट नहीं दे रहे, ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। तो अभी क्या लेवल में आ गया आप? कितने साल का टेक्नीशियन मानते हैं अपने आपको? अभी एक्सपीरियंस अच्छा आ गया है यहाँ पे,
तो आगे जाके काम कर सकते हैं। अच्छा, तो जो मार्केट में काम वापस जा रहा था अभी जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा, अभी जाके दूसरे दुकानदार को तो नहीं देंगे? आधा पैसा तू ले ले भाई। नहीं नहीं, अच्छा मार्केट के डबल डेकर सेट बना सकते हैं? पक्का। डेड मोबाइल बना सकते हैं जी? कोई भी आ जाए, कोई भी, कोई भी। अच्छा, जितने भी सेक्शन से समझ में आया आपको जी, सर्किट डायग्राम का नॉलेज कैसा मिला आपको थोड़ा? सर्किट डायग्राम का नॉलेज पहले कभी नहीं था, यहाँ पे आने के बाद पूरी लाइन समझ में आ रही है। समझ में आ गया जी। कल के दिन कोई नया मॉडल आ जाए तो आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नॉलेज दिया आपको आईसी के अंदर, एक एक सप्लाई लाइन की नॉलेज दी, ऐसा नहीं कि खाली आईसी निकालो लगाओ जी, डायरेक्ट सोल्यूशन से काम चलता क्या? नहीं, पहले अपने पास लाइट प्रॉब्लम आया तो हम यूट्यूब देखते, वो कहाँ काम कर रहा वहीं जंपर मारते या वही आईसी चेंज करते। बराबर। तो क्या काम हमारा होगा क्या? नहीं होगा। क्या सेम प्रॉब्लम हमारे पास भी आएगा क्या? नहीं, हर बार सेम प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आपके पास नॉलेज रहे तो कहाँ से पाल्टे आप बना सकते हैं जी। कोई महाराष्ट्र से आना चाहे उसको क्या बोलना चाहिए? महाराष्ट्र से कोई आना चाहता है तो पक्का आना चाहिए, और यहाँ पे आके पूरा नॉलेज उसको मिलेगा, मतलब पैसा बर्बाद नहीं होगा यहाँ पे आके उनका। अच्छा, इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, आपको क्या अलग लगा फोन फिक्स में? फोन फिक्स से सब तरफ से रिव्यू जो थे यहाँ के बहुत अच्छे से थे, तो इसलिए हम इधर आए हैदराबाद। सागर सर मास्टर आदमी है इनके जैसे मतलब जो है रहते हैं कि जो चीज मतलब हम हाथ कांपते हैं ऐसे निकालते समय, वो एकदम इजीली निकाल के बताते हैं, और जो टेक्निक है उनकी वो बहुत जल्दी से दिमाग में आती है। अच्छा, बाकी यूएमसी में सर कैसा? सॉफ्टवेयर में भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर कभी नहीं किया हमने। कितने सेट बना लिया आप लेके आए? यहाँ पे पाँच छः बना लिए। सब लोग बनाए होंगे यहाँ तो जी। इसका किसका बन गया भाई, थोड़ा हाथ उठा के बताओ, जो लेके आए थे सेट अपने साथ जी। आप लोग इतने सारे बना लिए? अच्छा, जो नए बने जाके बना सकते ना आप? पक्का। कोई सेट लेके भी नहीं आते, बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेके आते, और कुछ सेट ऐसे रहते कि पूरे खत्म ही रहते हो, बोर्ड बेंड रहते, आईसियाँ नहीं रहती उसके अंदर, तो वो अपन जाके बना सकते ना अपन जी। ठीक है अमित, थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशंस।